नमस्कार, टेक्नीबोट के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस एपिसोड से हम इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम जनरल नॉलेज से संबंधित 10 बहुत ही अद्भुत, रोचक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे। इन सवालों के साथ हम आपको 3 ऑप्शंस या विकल्प भी देंगे, जिसमें से किसी एक सही उत्तर को आपको चुनना है और कमेंट करके हमें बताना है। सवाल जवाब की इस कड़ी में आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड का समय भी होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हम हर सवाल और जवाब को एक्सप्लेन भी आपको करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह जीके क्विज या सवाल जवाब आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही साथ मनोरंजक भी होंगे। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले सवाल पर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस हैं फिलीपींस, फ्रांस, जर्मनी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है फिलीपींस। जी हां, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ईमानदारी, लोगों की सेवा करना और लोकतांत्रिक समाज के भीतर एक आदर्शवाद बनाए रखने के लिए दिया जाता है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1958 में हुई और 2019 में रविश कुमार जी को, जो कि काफी मशहूर पत्रकार हैं, को यह प्राप्त हुआ। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखते हैं आज का दूसरा सवाल। किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। समय शुरू होता है आपका अब। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य राज्य में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी सोयाबीन उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 60% सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसके चलते इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और आपको ये जानकारी होगी ही कि सोयाबीन बहुत ही गुणकारी होता है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं गुज्जर, दूसरा संथाल, तीसरा गोंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है गोंड। दोस्तों, गोंड भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और द्रविड़ियन है, जिनकी उत्पत्ति पूर्व आर्य युग से पता लगाया जा सकता है। वे व्यापक रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी फैले हुए हैं। गोंड शब्द एक्चुअली कोंड से आया है, जिसका अर्थ द्रविड़ में होता है हरे भरे पहाड़। तो आज का हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोट पर किसका फोटो था? काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑप्शंस हम आपको देते हैं, लाल किला, अशोक स्तंभ, ताजमहल। सोचिए और कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है अशोक स्तंभ। जी हां, प्रारंभ में 1949 में आजादी के बाद भारतीय नोटों की बाई तरफ में वाटरमार्क के रूप में शामिल अशोक स्तंभ को 1996 तक प्रिंट किया गया था। उसके बाद से महात्मा गांधी की श्रृंखला, जो कि अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ पूरी तरह लैस है, को सबके लिए जारी किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 195, 212, 227, 195, 212, 227। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 195, अर्थात 195। आज दुनिया में कुल 195 देश हैं। इस कुल में 193 देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, और 2 ऐसे देश हैं जिनके नाम हैं हॉलीसी और फिलिस्तीन, जो कि इनके सदस्य नहीं है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। आज का हमारा अगला सवाल है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, सिक्किम, गोवा। हमें उम्मीद है कि आपको इसका जवाब पता होगा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सिक्किम। जी हां,
सिक्किम हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है, जिसकी लगभग जनसंख्या 6,71,720 या उसके कम ज्यादा भी हो सकती है, और लक्षद्वीप जिसकी जनसंख्या 71,000 करीब है, वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2018 में अनुमानित जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या तकरीबन 22 करोड़ या उससे ज्यादा है, और यह ब्राजील की आबादी से भी अधिक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? When is Earth Day celebrated? ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। आपका समय शुरू होता है अब, और इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए 22 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार सन 1970 में इसे मनाया गया था, और अब इसमें 193 से अधिक देश, जैसा कि हमें पता है कुल 195 देश हैं, तो उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश तो पूरी तरह से इसे मनाते हैं। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। किस देश की एक भी राजधानी नहीं है? ऑप्शंस हैं किरीबाती, टोगो, नाउरू। काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है इसका उत्तर भी और यह सवाल भी। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है नाउरू। जी हां, नाउरू प्रशांत महासागर के स्थित में एक द्वीप है और यह दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य है। नाउरू का कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन इसका सरकारी कार्यालय वहां यारे जिले में स्थित है। मोनाको और वेटिकन सिटी को छोड़कर दुनिया के सभी देशों की तुलना में इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 9,400 है। नाउरू वेटिकन सिटी के बाद जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, यह बात भी आपकी जानकारी के लिए है। और यह देश इतना अस्पष्ट है या क्लियर नहीं है कि इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है वह एक नक्शा है जो लोगों को यह बताता है कि यह जगह कैसे मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। गिलहरी किस रंग को नहीं देख सकती? आपके ऑप्शंस हैं काला, नीला, पीला। समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है नीला। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है, लखनऊ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस देते हैं लखनपुर, ललनपुर, लक्ष्मणपुर। सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। जी हां, इसका सही उत्तर है लक्ष्मणपुर। आपने सही सोचा। लखनऊ को 11वीं शताब्दी तक लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था और बाद में लखनऊ। ऐसा कहा गया है कि शहर को पहले लक्ष्मण और बाद में लक्ष्मणवती के रूप में जाना जाने लगा था। धीरे धीरे यह लखनवती, फिर लखनौती और अंत में लखनऊ हो गया। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये काफी मददगार होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और बेहतर आपके लिए कार्य कर सकें। तो चलिए हम अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।